आज का हमारा टॉपिक है डिटर्मिनेंट्स। तो आज हम सबसे पहले समझेंगे किसी भी डिटर्मिनेंट की वैल्यू को कैसे निकाला जाए एंड व्हाट इज डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट एक्चुअली में क्या होता है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स के साथ एसोसिएटेड एक वैल्यू होती है। हमने अभी तक पढ़ा कि मैट्रिसेस की कोई वैल्यू नहीं होती और डेफिनेटली कभी होगी भी नहीं। सिमिलरली डिटर्मिनेंट्स क्या होते हैं कि इनके मैट्रिसेस के साथ एक एसोसिएटेड एक वैल्यू होती है, वो हम देखते हैं कि क्या चीज होती है। तो डिटर्मिनेंट क्या रहता है, जैसे कि मान लीजिए अगर एक मैट्रिक्स आपके पास है 2 1 3 2, ये एक मैट्रिक्स ए था, तो इसको हम ऐसे ए से लिख सकते हैं। तो एक डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक वैल्यू होती है जिसको हम नॉर्मली ऐसे लिखते हैं, ये मॉड नहीं है, ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए होता है। और इसकी वैल्यू जो होती है ये कैसे निकल सकती है वो हम सिखाने जा रहे हैं। तो यहाँ पे इसको देखिए स्क्वायर ब्रैकेट थी, इसकी जगह हमने सीधी स्ट्रेट ब्रैकेट्स लगा दिए हैं यहाँ पे। तो ये डिफरेंस है डिटर्मिनेंट्स और मैट्रिसेस में। पर इतना ध्यान रखिए हमेशा कि जो डिटर्मिनेंट जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक स्क्वायर मैट्रिक्स का ही पॉसिबल है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट नॉट पॉसिबल। तो मतलब हम जो वैल्यूज निकाल पाएंगे वो सिर्फ स्क्वायर मैट्रिसेस के ही डिटर्मिनेंट्स की होंगी। तो अब हम सीखते हैं कि कौन कौन से टाइप्स हो सकती हैं डिटर्मिनेंट्स की। तो इवैल्यूएटिंग वन बाय वन ऑर्डर का डिटर्मिनेंट, तो हम 1 by 1, 2 by 2, 3 by 3 इन सब के डिटर्मिनेंट्स की वैल्यूज निकालने जा रहे हैं। तो सबसे पहले एक मैट्रिक्स ले लेते हैं ए, सिंगल मैट्रिक्स लिया 1, तो दिस इंप्लाइज जो डिटर्मिनेंट ऑफ ए होगा वो भी क्या होगा, 1 ही होगा, जो भी यहाँ पे एलिमेंट है वही आंसर होगा, ठीक है। सो दिस इज व्हाट इज 1 by 1 डिटर्मिनेंट की वैल्यू। अब हम करते हैं 2 cross 2 के डिटर्मिनेंट की वैल्यू। देखिए हमने 2 cross 2 का यहाँ पे लिखा ही हुआ मैट्रिक्स, तो अगर उसका डिटर्मिनेंट निकालना है तो बहुत ही सिंपल होता है, आपको जो एलिमेंट्स हैं इनको डायगनली क्रॉस मल्टीप्लाई करना है और सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो यहाँ पे क्या है आपके पास 2 into 2, 4 minus 3 into 1, 3, सो ये वैल्यू हो गई 4 minus 3 विच इज इक्वल टू 1। तो डिटर्मिनेंट जो 2 cross 2 का डिटर्मिनेंट है उसको निकालना बहुत ही आसान था। तो एक एग्जांपल मैं और लेके दिखा देता हूँ आपको, जैसे 1 3 1 2 ऐसे एक डिटर्मिनेंट लेते हैं, तो इसकी डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालते हैं। इफ ए मैट्रिक्स इज दिस देन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज क्या होगा, 1 3 1 2 ऐसे लिख देंगे इसको डिटर्मिनेंट्स की ब्रैकेट में। अब यहाँ पे इसकी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करिए आप और सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो 1 into 2 minus 1 into 3 या 3 into 1, सो इट इज 2 minus 3 विच इज इक्वल टू -1। सो डिटर्मिनेंट की वैल्यू नेगेटिव भी आ सकती है, जीरो भी आ सकती है और पॉजिटिव भी आ सकती है, फ्रैक्शन भी आ सकती है, कुछ भी आ सकती है इसकी वैल्यू, क्योंकि एक आपका रियल नंबर एक आउटपुट देने वाला है। ये हो सकता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की फॉर्म में आपको आउटपुट दे सकते हैं। अब हम समझते हैं 3 by 3 का डिटर्मिनेंट कैसे वैल्यूएट किया जाए। चलिए अब हम समझते हैं 3 by 3 ऑर्डर के डिटर्मिनेंट को वैल्यूएट कैसे किया जाए। आपको ये बता दूं कि 3 by 3 का जो ऑर्डर का मैट्रिक्स है इसको बहुत सारे तरीकों से इवैल्यूएट कर सकते हैं। अभी मैं आपको जो रूल बताने जा रहा हूं टू इवैल्यूएट दिस इज द इजीएस्ट मेथड व्हिच इज कॉल्ड सारस रूल। इन द कमिंग लेक्चर्स वी विल ट्राई टू इवैल्यूएट दिस डिटर्मिनेंट बाय मेनी अदर मेथड्स। तो आपको ये नहीं फिक्स अप करना है कि आपको इसी मेथड से हमेशा इवैल्यूएट करना है, आपके पास बहुत सारे मेथड होंगे, जिससे आपको कन्वीनियंट लगे वो आप कर सकते हो, बट स्टार्टिंग की स्टेज में ये रूल आपके लिए सबसे बेटर रहेगा। तो लेट अस सी क्या करते हैं इसके अंदर। अगर एक 3 by 3 का डिटर्मिनेंट इवैल्यूएट करना है तो उसके अंदर जो फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम है इसको दोबारा से इसके बाद रिपीट करके लिख दीजिए। देखिए मैंने क्या किया, एक 3 by 3 का डिटर्मिनेंट लिया जो 2 columns थे इनको दोबारा से रिपीट करके लिख दिया। अब मेरे पास कुछ ऐसे देखिए डायगनल्स कैसे बन रहे हैं। देखिए एक डायगनल ऐसा बना, दूसरा डायगनल कुछ ऐसा बन रहा है और तीसरा डायगनल कुछ ऐसा बन रहा है जो कि इस साइड पे फ्लो कर रहे हैं। सिमिलरली रिवर्स ऑर्डर में भी मेरे पास कुछ डायगनल एलिमेंट्स बन रहे हैं। तो मुझे सिर्फ क्या काम करना है, इन डायगनल एलिमेंट्स को जो रेड वाली है डायगनल्स इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देना है, और जो मैं अभी देखिए लेफ्ट साइड से आपको बताने जा रहा हूँ कुछ डायगनल्स, तो कुछ ऐसे डायगनल्स बन रहे हैं। देखिए एक ये पूरा ब्लू कलर में जो बनाने जा रहा हूँ, एक ये पूरा डायगनल और एक ये पूरा डायगनल, इन डायगनल एलिमेंट्स को आपने मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो देखिए हम पहले क्या कर रहे हैं, पहले लीडिंग डायगनल्स वालों को करते हैं मल्टीप्लाई, तो
क्या वैल्यू आती है, वन इंटू वन इंटू वन, मतलब इसको किया मल्टीप्लाई, प्लस फिर इसको करिए देखिए, थ्री इंटू टू इंटू थ्री प्लस वन इंटू टू इंटू वन, तो ये तो हो गए लीडिंग डायगनल्स, इनको हमने कर दिया मल्टीप्लाई करके प्लस कर दिया। अब ये वाले डायगनल्स जो क्रॉस डायगनल्स है, इनको आपने मल्टीप्लाई करना है ऐसे ही जैसे इसको किया, बट सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो माइनस किया, इसको देखिए क्या किया, थ्री इंटू वन इंटू वन प्लस, अब ये वन इंटू टू इंटू वन प्लस वन इंटू टू इंटू थ्री, तो ये जो वैल्यू आएगी आपकी, ये पूरे इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू होगी। तो इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, वन प्लस नौ नौ अठारह प्लस टू माइनस, इसकी वैल्यू है थ्री प्लस टू प्लस सिक्स, तो इसको हम इवेल्युएट कर लेते हैं, 21 माइनस, सो दिस वैल्यू इज 9 टू 11, सो हमारे पास आंसर आ गया है 10। सो दिस डिटरमिनेंट हैज अ वैल्यू व्हिच इज इक्वल टू 10। आई होप द सारा रूल इज वेरी क्लियर। तो इसमें हमें क्या करना था, सिर्फ डायगनल बना लेने हैं एक इस तरह से, और एक क्रॉस में जो लीडिंग डायगनल्स है इनको प्रोडक्ट करके प्लस में कर देना है, और जो क्रॉस वाले डायगनल्स है इनको भी क्रॉस करके मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर देना है पहले वाले लीडिंग डायगनल्स की मल्टीपल्स में से। तो चलिए अब हम नेक्स्ट टॉपिक करते हैं, माइनर्स एंड कोफैक्टर्स ऑफ द डिटरमिनेंट्स। ये दो एक ऐसी वैल्यूज है जो किसी भी डिटरमिनेंट के साथ एसोसिएट होती है, इसकी हेल्प से भी हम डिटरमिनेंट की वैल्यू निकाल सकते हैं, बट प्रियर टू दैट वी विल अंडरस्टैंड व्हाट इज द माइनर एंड व्हाट इज द कोफैक्टर ऑफ अ गिवन डिटरमिनेंट। तो हम देखते हैं क्या होता है, माइनर हमेशा किसी एक एलिमेंट, ये मान लीजिए डिटरमिनेंट में लेके चलता हूँ आपके सामने, थ्री वन टू टू वन 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 टू थ्री, एक डिटर्मिनेंट मैंने थ्री क्रॉस थ्री का ले लिया, अब किसी एलिमेंट का भी माइनर होगा, तो मतलब यहाँ पे इस डिटर्मिनेंट के साथ एसोसिएटेड नाइन माइनर्स होंगे, क्योंकि इसमें नाइन एलिमेंट्स हैं। अगर टू बाय टू का मैट्रिक्स होता उसका डिटर्मिनेंट में चार ही माइनर्स होते, तो यहाँ पे जो है नाइन माइनर्स हैं। माइनर्स को हम एम आई जे से डिनोट करते हैं। मान लीजिए पर्टिकुलर हमें इस थ्री का माइनर लेना है, मतलब ए वन वन एलिमेंट का हमें माइनर लेना है, तो माइनर ऑफ A11 will be equal to M11. अब ये M11 obtain कैसे होगा? उसके लिए इस theory को जरा पढ़ लेते हैं। तो minor of an element Aij of determinant is the determinant obtained by deleting its ith row and jth column in which the element lies. That means जिस row और जिस column में ये element lie कर रहा था, जिसका हमें minor निकालना है, उसको हम delete कर देते हैं। जैसे कि 3 को 3 की row जिसमें थ्री लाई कर रहा था और थ्री वाला कॉलम हमने कर दिया डिलीट, तो जो बच गया उसका डिटरमिनेंट, मतलब जो ये आपका माइनर है ये भी एक डिटरमिनेंट की वैल्यू ही है, तो ये जो बच गया इसका डिटरमिनेंट क्या है वो हम निकाल लेते हैं। टू बाय टू का डिटरमिनेंट हमें निकालना आता है, तो कैसे निकाल सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई थ्री माइनस टू, सो विच इज इक्वल टू वन। तो ऐसे हमने किसी भी एक एलिमेंट का जो है वो माइनर निकाल लिया है, इसी तरीके से किसी भी एलिमेंट का यहाँ पे माइनर निकाल सकते थे। तो टोटल हम इस 3x3 मैट्रिक्स में 9 माइनर्स निकाल सकते हैं, 4x4 होगा तो जितने एलिमेंट्स हैं उतने ही माइनर्स होंगे। तो दिस इज द प्रोसेस टू फाइंड द माइनर्स। चलिए अब हम नेक्स्ट अंडरस्टैंड करते हैं, व्हाट इज द कोफैक्टर ऑफ अ डिटर्मिनेंट। तो किसी भी एलिमेंट का जैसे माइनर होता है वैसे ही कोफैक्टर होता है, बट कोफैक्टर इज मोर सिंपल, क्योंकि इसमें हम अब जब माइनर निकाल चुके हैं ये माइनर की वैल्यू के ऊपर ही डिपेंडेंट है। मान लीजिए हमने किसी एलिमेंट का जो है माइनर निकाल रखा है, लेट से द माइनर इज लेट हम सपोज कर लेते हैं हम A12 का जो माइनर निकाल रहे हैं, तो M12 हमारे पास है -3, ठीक है। तो हम अब इसी माइनर से जो है कोफैक्टर निकाल सकते हैं। कोफैक्टर किसी भी एलिमेंट का या तो Aij या Cij से डिनोट किया जाता है, NCERT आप CBSE देखोगे तो ये नोटेशन यूज होती है, Aij और कॉम्पिटिशन में मोस्टली Cij यूज होती है, तो आप दोनों में से जो मर्जी यूज कर सकते हैं। A12 मतलब आप माइनर निकाल चुके हैं M12, अब उससे मैं क्या निकालने जा रहा हूँ, कोफैक्टर निकालने जा रहा हूँ A12। तो यहाँ पे आपने क्या लिखना है, -1 लिखना है सबसे पहले, उसकी पावर में ये जो एलिमेंट्स का एडिशन है i और j की ये कर देनी है आपने। यहाँ पे जो i n की वैल्यू है क्या है, i प्लस j के बराबर है, तो ये क्या होगा
आई प्लस जे वन प्लस टू के बराबर है, और साथ में हमने एम वन टू कर देना है, तो ये माइनस वन की पावर ये कैसा हुआ थ्री, उसके साथ माइनर जो था वो है माइनस थ्री, तो ये वैल्यू माइनस वन का क्यूब होता है माइनस वन इंटू माइनस थ्री, ये बन गई थ्री। तो आप जब रियलाइज करोगे कि जो माइनर से कोफैक्टर बन रहा है उसके अंदर सिर्फ इतना ही डिफरेंस होगा, या तो उसका नेगेटिव से मल्टीप्लाई हो जाएगा या सेम रह जाएगी वैल्यू। ऐसा कब होगा, ये दो केसेस मैं आपको समझा देता हूं। जब एलिमेंट्स ए आई जे जिसमें आई प्लस जे का सम होता है ऑड, जैसे कि इस केस में था ऑड, तब तो जो माइनर है उसके साथ नेगेटिव साइन एक और मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब वो माइनस वन से मल्टीप्लाई हो जाएगा। जब ये वैल्यू हो वन और टू, या जैसे वन और वन हो जिसमें सम हो जाए इवन, तो आई प्लस जे का जब सम हो जाएगा इवन, तो जो माइनर है वही आपका कोफैक्टर रहेगा। अब मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको एक थ्री बाई थ्री टू बाई टू डिटर्मिनेंट का आपको माइनर्स और कोफैक्टर्स निकाल के दिखा देता हूं। चलिए अभी एक एग्जांपल आपके सामने रखी है मैंने, जिसमें एक डिटर्मिनेंट लिया है मैंने टू बाई टू का। अब इसमें मेरे पास कितने एलिमेंट्स आप देख सकते हैं, चार एलिमेंट्स हैं a11, a12, a21, a22, तो मेरे पास चार ही माइनस होंगे और चार ही कोफैक्टर्स होंगे। तो सबसे पहले मैं चार माइनस आपको निकाल के दिखा देता हूं। जो a11 एलिमेंट के साथ एसोसिएटेड रहेगा वो माइनर होगा m11। अब इसी के साथ हम इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। तो इसमें बहुत सिंपल होता है 2×2 में, देखिए 1 को मैं हाइट रो और कॉलम को करूं तो सिर्फ एक ही एलिमेंट मुझे दिखाई दे रहा है 3। तो एक सिंगल डिटर्मिनेंट जो होता है वो आपको बताया था 1×1 ऑर्डर का जो डिटर्मिनेंट भी होता है वही वैल्यू होती है, तो इसका आंसर आ जाएगा 3। अब m12 मतलब इसका माइनर इस एलिमेंट का, तो इसकी कॉलम और इसकी रो को ऐड किया जाए तो एलिमेंट बचता है सिर्फ 4। अब m21 मतलब इसका हाइड कीजिए रो और कॉलम तो बचता है -2, m22 को हाइड कीजिए तो बचता है सिर्फ 1। तो ये तो आ गए आपके माइनस। अब सिमिलरली वी कैन फाइंड कोफैक्टर्स ऑफ दीज। देखिए a11 जो माइनर है इसमें क्या कोफैक्टर में क्या होना है, -1 की पावर ये 1+1, यहां पे होना है -1 की पावर 1+2, यहां पे होना है -1 की पावर 2+1, और यहां पे होना है -1 की पावर 2+2। तो ये तो आप देख पा रहे हो, ये तो आई और जे से ही वैल्यू मिल गई, और साथ में मल्टीप्लाई क्या हो जाना है MIJ। तो MIJ इस केस में क्या था 3, तो ये 3 से मल्टीप्लाई हो गया, ये 4 से और ये -2 से और ये 1 से। तो अब आप बहुत क्लियरली देख पा रहे हो कि इस -1 का रोल क्या है, या तो ये -1 दे देगा या +1 दे देगा। जब इसकी पावर इवन है, जो कि इस केस में इवन है, 1+1 इज इवन, तो 2 देगा, -1 का स्केयर होगा 1, तो ये वैल्यू इंटैक्ट रहेगी, अनचेंज रहेगी, तो ये वैल्यू रहेगी 3। m12 के केस में ये वैल्यू हो जाएगी -4, क्योंकि ये वैल्यू -1 बन जाएगी। 2-1 के केस में भी ये साइन चेंज हो जाएगा, तो ये बन जाएगा +2, क्योंकि -1 × -2 विल बिकम +2। a22 जो बनेगा वो बनेगा 1। तो आप देख पा रहे हो कहां पे साइन चेंजेस हुए हैं, इन दोनों में साइन चेंजेस हुए हैं कोफैक्टर्स में, क्योंकि इन दोनों के जो i + j का जो सम था वो ऑड था, और इन दोनों के केस में कुछ चेंजेस नहीं हुए, जो माइनर है वही कोफैक्टर है। जब भी आपका i + j जो कि एलिमेंट्स के रो और कॉलम का सम होता है वो अगर इवन हो तो कोफैक्टर और माइनर सेम होते हैं। अब हम एक डिटर्मिनेंट को इवेल्युएट कर सकते हैं यूजिंग द माइनर्स एंड कोफैक्टर्स ऑफ द डिटर्मिनेंट। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि डिटर्मिनेंट को इवेल्युएट करने का कोई एक तरीका नहीं है। अब एक अगर डिटर्मिनेंट है, यही हम 3×3 के एग्जाम्पल ले रहे हैं, तो इसी को इवेल्युएट करने का इवन यूजिंग माइनर्स एंड कोफैक्टर्स ही 6 रूल्स हैं, 6 मेथड्स हैं, 6 टाइप से हम इसको इवेल्युएट कर सकते हैं। सो अगेन आई एम सेइंग द डिटर्मिनेंट की वैल्यू को इवेल्युएट करने का कोई एक सिंगल तरीका नहीं है, वी हैव मेनी मेथड्स। अब यहां पे इसको माइनर्स और कोफैक्टर्स की हेल्प से जब इवेल्युएट करना है तो उसका लॉ क्या है कि जब भी आप इस डेल्टा मतलब एक डिटर्मिनेंट 3×3 का मैंने एग्जांपल ली, इसमें एलिमेंट्स अपने जगह पे प्लेस किए, तो जब भी आप किसी भी रो या किसी भी कॉलम, तभी मैंने कहा था इसको 6 वे से इवेल्युएट किया जा सकता है, रोज 3 है और कॉलम्स भी 3 है, तो अलोंग एनी रो वी कैन ओपन दिस डिटर्मिनेंट, अलोंग एनी कॉलम वी कैन ओपन दिस डिटर्मिनेंट। तो लेट अस से कि हम इसको अलोंग फर्स्ट रो जो है इसको इवेल्युएट करने जाते हैं, तो इसकी वैल्यू कैसी होगी, बहुत ही सिंपल होगी। a11 को अपने ही कोफैक्टर के साथ आपको मल्टीप्लाई कर देना है, सिमिलरली a12 को अपने ही कोफैक्टर के साथ, और a13 को भी अपने ही कोफैक्टर के साथ, ठीक है। तो यही डिटर्मिनेंट की वैल्यू रहेगी। सिमिलरली वी कैन जो एक्सपेंड इट यूजिंग
एक्सपेंड अलोंग सेकेंड रो। अगर आप सेकेंड रो के अलोंग एक्सपेंड करते हैं तो भी इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू कैसी रहेगी, ए टू वन। देखिए टू वन वाला एलिमेंट लेंगे तो उसके साथ कोफैक्टर भी टू वन ले लेंगे, प्लस ए टू टू इसके साथ इसका कोफैक्टर भी ए टू टू, प्लस ए टू थ्री इसका कोफैक्टर भी ए टू थ्री। तो आपको याद क्या रखना है, पूरी रो के आपको एलिमेंट्स लेने हैं और उनके कोफैक्टर्स लेने हैं। ये रूल किसी भी डिटर्मिनेंट के ऑर्डर के लिए एप्लीकेबल है। तो ऐसा करते हुए देखिए, आपको दो रोज के अलॉन्ग मैंने एक्सपेंड करके बताया, ऐसे ही थर्ड रो के अलॉन्ग, ऐसे ही किसी भी कॉलम के अलॉन्ग हम इसको एक्सपेंड कर सकते हैं। तो क्वेश्चंस में हमारे से ये भी पूछा जा सकता है कि इवेल्युएट दिस डिटर्मिनेंट अलॉन्ग कॉलम थ्री। अगर स्पेसिफाई किया गया है तो हमें उसी कॉलम के अलॉन्ग इसको ओपन करना है और वैल्यू सबसे सेम आएगी, कोई यहाँ पे डिफरेंस आने का जरूरत नहीं होगी। इसके साथ मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी बताने जा रहा हूं, उसको ध्यान से याद रखिएगा कि अगर आप किसी भी रो के एलिमेंट्स को किसी अदर रो के कोफैक्टर्स के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे, जैसे कि ए वन वन को ए टू वन प्लस ए वन टू को हमने किया ए टू टू प्लस ए वन थ्री को किया ए टू थ्री, तो इसमें हमने देखिए एलिमेंट्स तो लिए फर्स्ट रो के पर कोफैक्टर्स लिए सेकेंड रो के। इस तरह का जब भी कॉम्बिनेशन होगा ये आपको हमेशा ही वैल्यू जीरो देगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए, और एक हम आगे जाके प्रूफ करेंगे एडजॉइंट का, वहां के लिए भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है, तो ये आप बहुत अच्छे से याद रखिए। चलिए अब हम नेक्स्ट टॉपिक करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एप्लीकेशन ऑफ द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट्स, कि हम एक जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू है उसको इवैल्यूएट करने के बाद कहां कहां उसको अप्लाई कर सकते हैं। तो फर्स्ट सच एप्लीकेशन इज द फाइंडिंग ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल। ये फॉर्मूला आप लोगों को याद होगा, ये 10th क्लास में आप लोगों ने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर किया था कि अगर x1 y1 x2 y2 एंड x3 y3 आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्राइंगल देन द एरिया कैन बी रिटन एज दिस। अब उसी एरिया को हम जो है डिटर्मिनेंट के फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं, अगर आप इसको इवैल्यूएट करके देखेंगे तो यही वैल्यू आपकी क्रिएट होगी। तो अब हमने क्या किया, इस ओपन फॉर्मूला को कैसे एक शॉर्ट फॉर्म में हमने डिटर्मिनेंट की फॉर्म में रिड्यूस कर लिया है, क्योंकि अब हम डिटर्मिनेंट इवैल्यूएट करना जानते हैं तो इसको हमने डिटर्मिनेंट की वैल्यू में इवैल्यूएट कर लिया है। तो बहुत ही सिंपल है, याद रखना एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्मड इज हाफ x1 y1 1 एक रो में आप लिख लिए हैं, x2 y2 1 दूसरी रो, x3 y3 1 तीसरी रो। तो तीन रोज में आपका 3/3 का जो ऑर्डर ऑफ डिटर्मिनेंट रहेगा ये एरिया ऑफ ट्रायंगल को रिप्रेजेंट करेगा। अब आपको पता है कि डिटर्मिनेंट तो नेगेटिव पॉजिटिव जीरो कुछ भी हो सकता है, पर जो नेगेटिव वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट होगी वो एरिया रिप्रेजेंट नहीं करेगी, उसका जो मॉडुलस आप ले लोगे वो आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल रिप्रेजेंट करेगा। तो मैं कुछ पॉइंट्स इसमें नोट डाउन करवा रहा हूं, एरिया इज ऑलवेज पॉजिटिव सो ऑलवेज टेक द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ट्रायंगल, दैट ट्रायंगल मतलब यहां पे एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो हमेशा ही इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू आपको ले लेनी है, डिटर्मिनेंट की मॉडुलस ले लेना है। दूसरा पॉइंट ये है कि अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल आपको दे रखा हो, मान लो ये दे रखा है 5 स्क्वायर यूनिट्स, तो आपको ये थर्ड पॉइंट है, इफ द एरिया इज गिवन यूज पॉजिटिव एंड नेगेटिव वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट, तो हमें क्या करना है, नेगेटिव वैल्यू भी इसकी लेनी है और पॉजिटिव भी लेनी है, क्योंकि जो आउटपुट हमें दी गई है, मान लीजिए 5 स्क्वायर यूनिट्स दिया गया है एरिया, अब हो सकता है डिटरमिनेंट की वैल्यू 5 आई हो या -5 आई हो, तो हमें तो दोनों केस लेने पड़ेंगे। तो यहाँ पे हमें दोनों केस लेने पड़ते हैं। ये नॉर्मली क्वेश्चंस होते हैं जब कोई एक वर्टेक्स जो होगी उसका एक कोऑर्डिनेट कांस्टेंट के की टर्म में या वेरिएबल की टर्म में दे दिया जाएगा। थर्ड इसकी फॉर्मूला लगता है जब एरिया ऑफ ट्रायंगल तीन कोलिनियर पॉइंट्स के लिए निकालना हो, वो होता है हमेशा जीरो। तो देखिए जब तीन कोलिनियर पॉइंट्स होंगे तो एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसा होगा, वो हमेशा जीरो होगा।